अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों दिस इज द ज्योमेट्री पार्ट टू। पार्ट वन मैं अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, तो पार्ट टू भी मैं डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड करूंगा। तो पार्ट टू भी बेसिक क्वेश्चन है, इसमें हम एंगल के क्वेश्चन लेंगे और SSC एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अगर जो लोग भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। मैं क्या करता हूँ, एडवांस मैथ के ट्रिगो अलजेब्रा ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। मैं एडवांस मैथ का 3rd चैप्टर ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। और जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड हो पाए हैं मेरे, तो वो है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे मैसेज करके व्हाट्सएप नंबर में ऐड हो सकते हैं। तो देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं। अब हम आज जो हम पढ़ेंगे, पहले हमने पार्ट वन में जो कंप्लीट कर चुका है कि पॉइंट्स क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसवर्सल ऑफ ए पैरेलल लाइन, मतलब कोई दो पैरेलल लाइन है। जैसे देखो यहाँ पे ए बी एक लाइन है, ठीक है, सी डी भी एक लाइन है, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, दो पैरेलल लाइन है। जैसे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, और इसके बीच ट्रांसवर्सल लाइन मतलब एक तिर्यक रेखा, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि तिर्यक रेखा, उसको क्या कर रही है, काट रही है, ठीक है, इन दोनों लाइन को एक काट रही है। तो इसमें बहुत सारे आप पूछे जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो करस्पॉन्डिंग, मान लो हम इस लाइन को डिनोट कर रहे हैं कि 1 2, ठीक है, 3 4, एंगल का नाम दे, इस एंगल का नाम है 1 2, इस एंगल का नाम 3 4, इस एंगल का ले लो 5, इस एंगल का नाम 6 और 7 और 8, हमने एंगल को डिनोट कर दिया नाम से 1 2 3 4। अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है क्या, तुम्हारा संगत कोण। संगत कोण कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे देखो कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखो ये लेफ्ट साइड हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा राइट साइड का पोर्शन, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये देखो हमेशा याद रखो कि लाइन, देखो ये लाइन है ना, लाइन के ऊपर वाला, देखो ये लाइन का ऊपर हो गया, लाइन का ऊपर कितना है 2, ठीक है, लाइन के ऊपर कितना है 2 देखो, और इस सेकेंड वाले लाइन, ये भी लाइन है तुम्हारा, इस लाइन के ऊपर वाला क्या है 6, तो 2 और 6 क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। उसी तरह देखो लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, राइट साइड की बात कर, राइट साइड के अपर लाइन के ऊपर क्या है 1, ठीक है, और राइट साइड के अपर, देखो ये लाइन इसका लाइन का ऊपर क्या है 5, तो 1 और 5 क्या होंगे, संगत कोण होंगे, ठीक है। अब उसी तरह फर्स्ट लाइन की लेफ्ट साइड के नीचे वाला 3, ठीक है, और इस सेकेंड वाली लाइन के नीचे वाला क्या हो गया 7, ये भी क्या होंगे, संगत कोण होंगे। उसी तरह इसका इस लाइन फर्स्ट लाइन के नीचे वाला राइट साइड के नीचे वाला यानी कि 4, और इसका इसके नीचे वाला क्या हो गया 8, ये तीन ये क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल, यानी कि 2 इज इक्वल टू 6, 1 इज इक्वल टू 5, 3 इज इक्वल टू 7 और 4 इज इक्वल टू 8। मतलब ये याद रख लेना कि लाइन के अपर, जैसे 2 देखो लाइन के अपर 2 है तो इधर 6, 1 है तो इधर 5, ठीक है, लाइन के नीचे 3 7, लाइन के नीचे 4 और 8, ये क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे से क्या होते हैं इक्वल, ठीक है। अब अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल मैं बताता हूं। जैसे देखो अंदर वाले लाइन के अंदर बात करते हैं, अगर ये 3 लेते हैं, ठीक है, तो 3 के बाद इसको छोड़ दो, एक छोड़ दो अल्टरनेट, मतलब एक छोड़ो तो क्या हो गया इसके 5, 3 5 अल्टरनेट हो गए। उसी तरह अगर 4 लेते हैं तो 4 इधर छोड़ दो, या इधर से भी ले लो छोड़ दो, 3 को छोड़ो 6, या इधर से भी लोगे तो 5 को छोड़ो तो 6, यानी 3 और 5 अल्टरनेट एंगल हो गए, 4 और 6 अल्टरनेट हो गए, लाइन के नीचे हो गया। उसी तरह लाइन के ऊपर देखो 2 और इधर का 8, 2 और 8 क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। उसी तरह 1 और 7 भी क्या होंगे, देखो लाइन के ऊपर और ये 7, 1 और 7 भी क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे, और अल्टरनेट एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल, यानी कि 3 इज इक्वल टू 5, 4 इज इक्वल टू 6, 2 इज इक्वल टू 8 और 1 इज इक्वल टू 7,
यानी अल्टरनेट एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दे पहले ही। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को डील करते हैं, समझने, अगर ये समझ में आने लगी तो आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लोगे। जैसे देखो, थर्ड चीज होता है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या मतलब, अंदर वाला एंगल, 3 4 5 6। ठीक है, 3 4 5 6 इंटीरियर एंगल हो गया। और एक्सटीरियर एंगल का मतलब बाहर वाला, यानी कि देखो ऊपर वाला बाहर कौन है, 1 2, और इधर बाहर कौन है, 8 7। तो अब इसमें क्या प्रॉपर्टी होता है, इंटीरियर एंगल का मतलब 3 4 5 6। तो देखो सेम साइड, देखो क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल ऑन ए सेम साइड इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो इंटीरियर एंगल 3 और 6 सेम साइड है, तो 3 और 6 का सम क्या होगा, 180। इंटीरियर एंगल अंदर देखो, इंटीरियर एंगल 4 और 5 है, 4 5 का सम क्या होगा तुम्हारा, 180। ठीक है, ये तो हो गई इंटीरियर। अब बाहर वाले की देखो, बाहर वाला क्या है, देखो इधर देखो, ऊपर इसका 2 है और इसका देखो इंटीरियर की एक्सटीरियर एंगल 2 और इधर क्या है तुम्हारा, देखो 2 और इधर क्या है 7। तो 2 + 7 का देखो, इसका अपर और इसका नीचे यानी एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। उसी तरह इधर राइट हैंड साइड ले लो 1 और 8, 1 + 8 भी क्या होगा तुम्हारा, 180 डिग्री। तो ये कहलाते हैं एक्सटीरियर, ये कहलाता है इंटीरियर और ये कहलाता है एक्सटीरियर। ठीक है, अब जैसे देखो, मान लो मैं तुमको एक चीज बताता हूं, जैसे देखो इसमें मैं तुमको एक चीज और बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखो कि हम कैसे करते हैं, जैसे देखो हमारे पास ये दो लाइन है, पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन, हमने एक क्या कर लिया, तिर्यक लाइन ले लिया। जैसे मान लो ए बी सी डी पैरेलल लाइन है, ए बी सी डी पैरेलल लाइन है, इसके पी क्यू क्या है, तिर्यक लाइन है, इसको काट रहा है 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, 7 और 8। तो फर्स्ट हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, अपर लाइन के अपर वाला और लाइन के, देखो लाइन का अपर इस लाइन का अपर 2 6 हो गया। ठीक है, उसी तरह देखो लाइन का नीचे 3 7, लाइन का नीचे, लाइन का नीचे, उसी तरह इधर आ जाओ, लाइन का अपर 1 5, ठीक है, और लाइन का नीचे 4 और 8, दोनों का नीचे, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग को बोलते हैं क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल को बोलते हैं संगत कोण, यानी कि 2 = 6, 3 = 7, 1 = 5 और 4 = 8। ये समझ में आ गया। दूसरा चीज हम पढ़े हैं कि अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल, ये भी क्या होता है, इक्वल, यानी कि एकांतर कोण इक्वल होता है। अल्टरनेट का मतलब क्या, 3 और 5 क्या है, एक दूसरे से अल्टरनेट एंगल, क्योंकि बीच में 4 को छोड़ दिए, 3 और 5 अल्टरनेट हो गए, इधर 4, इधर भी क्या हो गया, 4 और 6 क्या हो गया, अल्टरनेट हो गया। ऊपर देखो अल्टरनेट का मतलब 2 और 8 क्या हो गए, अल्टरनेट हो गए, और इधर क्या हो गए, 1 और 7 क्या हो गए, अल्टरनेट हो गए। ठीक है, 1 और 7 अल्टरनेट हो गए। अल्टरनेट एंगल इक्वल का मतलब 3 और 5 इक्वल, 4 = 6 इक्वल, 2 = 8 इक्वल, और 1 = 7 इक्वल। और एक थर्ड टर्म कह रहा है कि इंटीरियर एंगल, इंटीरियर और एक्सटीरियर, इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब, इंटीरियर मतलब अंदर वाला और एक्सटीरियर, देखो अंदर वाला मतलब जैसे मैं अभी दिखा रहा हूं, जैसे देखो अंदर वाला, देखो कौन कौन सा है अंदर वाला, देखो 3 4 5 और 6 है, तो अंदर वाला 3 और 5 का सम क्या होता है, सेम साइड वाले का सम क्या होता है, 180 डिग्री। 4 और देखो उसी तरह 4 और 6 का भी सम क्या होगा, 180 डिग्री। अब एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब ऊपर वाले की बात करते हैं, ऊपर वाले में क्या है, 1 2, इधर क्या है तुम्हारा, 7 8, इसी डायग्राम को ले रखा हूं। ठीक है, तो अब देखो 2 और 7 क्या होंगे, 2 + 7 = 180 डिग्री एक्सटीरियर एंगल सेम साइड का। ठीक है, उसी तरह 1 और 8 भी क्या होगा, 1 + 8 = 180 डिग्री। अब कहीं भी क्वेश्चन में जैसे देखो तुमको इस तरह से आ जाए क्वेश्चन में, कहा ये वाला और ये वाला, ये पता है इंटीरियर एंगल है 1 और 2, तो 1 + 2 = क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर ये आपको पता चलने लगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट देखो कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन करे कि एंगल ऑफ ए लाइन, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। एंगल ऑफ ए लाइन मतलब क्या, कोई एक लाइन है अगर उसकी पूरी एंगल यहां से यहां तक की एंगल क्या होती है, सभी को पता है कि 180 डिग्री हो, इस पे कोई भी, जैसे हमारा ये कोई ये लाइन है, ठीक है, इस पे हमने कोई एक और लाइन ड्रॉ कर लिया,
अगर ये एंगल मान लो ये 1 2 है, मतलब सम ऑफ जितने भी लाइन इसके बीच आएंगे सभी का एंगल जैसे 1 + 2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब जैसे देखो ये एक लाइन है उसको दो लाइन मतलब ऐसे जोड़ दिया, तो जितने भी इस पॉइंट पे एंगल होंगे उसका सम क्या होगा 180। जैसे मान लो ये एंगल 1 है 2 3, तो 1 + 2 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सेम इस लाइन पे जितने भी एंगल होंगे जैसे 1 2 3 4 सभी का सम क्या होगा एक लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे उसका सम क्या होता है 180 डिग्री। 1 + 2 + 3 + 4 क्या होता है 180 डिग्री। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को आसानी से डील कर सकते हो। देखो और उसके बाद आता है अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है, जैसे देखो हमारा ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, ये मान लो 3 है और ये मान लो 4 है। तो देखो देखो ऊपर वाला ये वाला और ये वाला अपोजिट एंगल है, यानी कि 1 = 4, ठीक है। और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी तरह देखो यहाँ का 2 और इसके अपोजिट क्या है 3, तो 2 = 3। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे देखो इस लाइन में दो पैरेलल लाइन हमने ABCD ले लिया, ABCD। अब इसमें करा अपोजिट एंगल, देखो अपोजिट एंगल ये वाला और ये वाला अपोजिट होगा, ये वाला अपोजिट होगा, ये वाला अपोजिट होगा, ये वाला अपोजिट होगा। यानी देखो तुम्हारा 2 = 4 हो जाएगा, 1 = 3 होगा। उसी तरह इसमें बात करेंगे यहाँ वाले में तो 6 = 8 और 5 = 7, ये दोनों ये क्या कहलाते हैं, अपोजिट एंगल। अब एक चीज याद रख लेना, अल्टरनेट एंगल मैं बता चुका हूँ। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, जैसे मान लो फिर मैं अभी बता देता हूँ अल्टरनेट एंगल। जैसे देखो अल्टरनेट का मतलब क्या है, मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो अल्टरनेट का मतलब क्या कि 3 और 5 क्या होते हैं इक्वल, 4 और 6 क्या होते हैं इक्वल। चलो फिर से बड़ा मैं बता देता हूँ, जैसे देखो ये लाइन है, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब मान लो ये एंगल तुम्हारा 3, ये 4, ये तुम्हारा दे दिया 5 और ये 6। अल्टरनेट अल्टरनेट का मतलब क्या, ये वाला और ये वाला अल्टरनेट हो गया ना, 3 के बाद 4 को छोड़ो, क्योंकि अल्टरनेट मतलब बीच में छोड़ना होता है, और उसी तरह 4 को ले गए तो 5 को छोड़ो, अल्टरनेट। यानी 3 = 5 और 4 = 6। तो देखो डायग्राम देखो, मान लो हम इसको इतना ही एज्यूम करते हैं, जैसे देखो ये वाला डायग्राम मैं बता रहा हूँ, यहाँ से देखो यहाँ, ठीक है, और यहाँ, यानी कि हमारा जेड का कॉन्सेप्ट देखो। जेड अगर ऐसा डायग्राम कभी भी आ जाए, जेड अगर देखो, अगर ये एंगल अगर एक्स है, ठीक है, ये एंगल एक्स है, तो ये भी एंगल क्या होगा एक्स, ठीक है, ये याद रख लेना। जेड का शेप बन जाए जहां भी, जेड के अपोजिट भी बन जाए, जेड के अपोजिट बन जाए, अगर ये एंगल वाई है तो ये भी एंगल क्या होगा वाई, यही कहलाता है जेड का कॉन्सेप्ट। जेड हो या अपोजिट जेड, इसका मिरर इमेज भी इस तरह से इसको बोल देते हैं अपोजिट जेड, ठीक है। अब जैसे क्यों क्यों हम ऐसे लिख कैसे सकते हैं, जैसे देखो मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ, ठीक है, अब बार बार ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ। देखो डायग्राम हमने बना दिया, अब पता चल रहा है हमने इसको भी बढ़ा दिया, देखो तो अब पता चल रहा है ना कि ये वाला एंगल इसको छोड़ो और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे इक्वल। उसी तरह इसको भी बढ़ा लो, इसको भी बढ़ा लो, तो अब ये देखो ये वाला मैंने बोला था ना ये वाला एंगल होगा, तो अल्टरनेट का मतलब इसको छोड़ो इसको, तो हम जहां भी कहीं भी जेड का शेप देखेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। उसी तरह अपोज ये वाला जेड का शेप अगर वाई है तो ये भी क्या होगा वाई। उसी तरह अपोजिट टू जेड, अपोजिट भी उल्टा भी जेड हो, ठीक है, अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा एक्स। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, जैसे देखो हमारे पास दो लाइन है, एक ए लाइन है और एक बी लाइन है, ठीक है, मान लो ये पॉइंट ओ है, एंगल दोनों के बीच क्या है तुम्हारा 2θ। एक और कोई ऐसा लाइन इन दोनों के बीच लें जो दोनों एंगल को सेम डिवाइड कर दे, यानी ये वाला एंगल थीटा हो जाए, ये वाला एंगल थीटा, मान लो ये एंगल फाई है, तो θ = क्या होगा फाई, जब एंगल बाइसेक्टर की बात हो जाए तब, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना। और देखो थीटा एंड फाई, जैसे मान लो हमारा ये एंगल है और ये एंगल है, इसके बीच में कोई लाइन गया, ठीक है, जैसे मैं आपको फिर से ये लाइन अच्छे से नहीं बन पाया, जैसे देखो ये हमारा लाइन है, ठीक है, और ये लाइन है, ये ए है और ये बी है, इनके बीच कोई एक ऐसा एंगल जो दोनों को इक्वल डिवाइड करे, यानी θ = क्या हो जाए फाई, तो इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट। एंगल को बाइसेक्ट कर दिया दो इक्वल में, दो इक्वल एंगल आर
इक्वल। ठीक है, अब जैसे देखो हमारे पास कोई एक लाइन है, जैसे मैं इसमें बताता हूं, जैसे देखो हमारे पास ए बी सी डी लाइन है, पी क्यू क्या है, तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। जैसे मान लो इसके एंगल को 1 मानते हैं, 2 मानते हैं, 3 और 4, ठीक है, उसी तरह तुम इसको मान लो 5, 6, 7 और 8। अब देखो एक चीज इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं आपको कि जो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे देखो अगर मान लो मैं इस एंगल का बाइसेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, और इस एंगल का बाइसेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर मतलब कि इस लाइन और इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा और इस लाइन इक्वल है, और जो ये एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री। जैसे मान लो दो लाइन, इस लाइन को मैं इंटरनल बाइसेक्ट किया और इस लाइन को इंटरनल बाइसेक्ट किया, और ये जहां मिलेंगे ये 90 डिग्री एंगल होगा। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का मैं आपको यूज भी बताता हूं कैसे कॉन्सेप्ट का यूज करना है। जैसे देखो हमारे पास क्या है, देखो ये लाइन है, ठीक है, और दूसरी लाइन है, ठीक है, क्लियर है बात। अब हमारे पास कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है इसको, ठीक है, और जैसे नाम दे दो ए बी सी डी, ठीक है, तिर्यक रेखा पी क्यू इस लाइन को काट रही है। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को देखो, ये लाइन है, इस लाइन का एंगल बाइसेक्ट कर दिए और इस लाइन का एंगल बाइसेक्ट कर दिए, ये जहां पे मिलेंगे वो कहलाता है 90 डिग्री, ठीक है। उसी तरह इस एंगल का बाइसेक्ट कर दिए, मतलब दो इक्वल भाग में बांट दिए, इस एंगल का दो इक्वल भाग में बांट दिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये टोटल एक्स है, ये अगर टोटल एक्स है तो एक्स बाई टू, एक्स बाई टू होगा, अगर ये टोटल तुम्हारा वाई है तो वाई बाई टू और वाई बाई टू होगा, मतलब इस तरह से, मतलब कहने का मतलब है। तो ये भी जो एंगल, दो एंगल को बाइसेक्ट करके जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। और मान लो कि हमारा, अब देखो हम इस डायग्राम को इधर हटाते हैं, जैसे देखो हमारा ये बन गया ना, तुम्हारा ये बन गया, ठीक है, ये बीच वाला शेप ये बन गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये जो बनता है, ये जो शेप बन गया, ये शेप कहलाता है तुम्हारा आयत। ये भी तुमको एसएससी में पूछा हुआ है कि शेप क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रेक्टेंगल मतलब कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा, और ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि इस पे यूज कैसे किया जाता है। अब हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन जो नॉर्मल कैसे पूछे जाते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन ये शेप दिया हुआ है, मान लो कह रहा है कि ए बी सी और डी, कह रहा है कि ए बी पैरेलल लाइन है सी डी के, पी क्यू कोई लाइन है तिर्यक रेखा जो उसको ए और बी पे काटती है, तो एंगल एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड आउट करो। अब देखो हमको, हमने पता है ना कि हमने, देखो एक चीज तो क्या कर सकते हो, हमें कुछ चीजें बहुत अच्छे से निकालनी पड़ती है। जैसे देखो मैंने डायग्राम, देखोगे डायग्राम, देखो ये डायग्राम है, ये डायग्राम है और ये डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम ऐसा है, ये 60 है और ये तुम्हारा क्या है एक्स प्लस फाइव। मैंने बताया था ना जेड सेप हो तो ये दोनों क्या होते हैं इक्वल, यानी 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस फाइव, ठीक है, तो एक्स तुम्हारा क्या बन जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए कि ये वाला डायग्राम यहां से यहां देखो जेड बन रहा है, तो यानी ये वाला अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं ना, जैसे हमने अभी बताया था ये लाइन है ये लाइन है, ठीक है, अगर ये वाला हो और ये वाला हो, ठीक है, यही है ना, ये वाला और ये वाला, तो क्या होते हैं इक्वल, या तो जेड से सेप, जेड समझ लो, ये जेड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसमें देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू चाहिए ऊपर है और ये अंदर है। अब ये बताओ इसमें कैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकाल सकते हो, जैसे बताओ मैंने एक बताया था ना तुमको ये वाला कॉन्सेप्ट कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल, तो देखो इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, ये भी इसके इक्वल हो जाएगा 5x+4। अब देखो सेम साइड, एक सेम साइड का देखो दो एंगल है सेम साइड पे हैं, तो इनका सम क्या होगा 180, जैसे मैंने ये बताया था ना तुमको, ये देखो डायग्राम में पता चलेगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x+4, ठीक है, प्लस 3x+8 इज इक्वल टू क्या हो गया 180 हो गया। अब 180 हो गया तो इनको जोड़ लो, 8x+12 इज इक्वल टू 180, ठीक है, तो 8x इज इक्वल टू 168, तो x को डिवाइड कर लो 168 अपॉन 8, यानी कि तुम्हारा 21 डिग्री, x की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी 21। तो इस तरह से सोचा जाता है, ये एंगल है इसके अपोजिट ये एंगल, इन दोनों का सम तो पता ही कि 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, एक फाइंड आउट करो, ठीक है,
अब देखो सिंपल सा चीज, कुछ चीजें मैं बताता हूं। जैसे देखो हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि इसमें फिगर में दे रखा है, मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे देखो हमने डायग्राम क्या बताया था कि अगर मान लो कोई तिर्यक रेखा काटती है, अगर ये एंगल दिया हुआ है ठीक है, और ये वाला एंगल दिया हुआ है ठीक है, ये दोनों कौन से एंगल होते हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो जैसे कौन से एंगल होती है मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे देखो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी मैंने बताया था ना तुमको, कौन सा एंगल बताया था, करस्पोंडिंग एंगल। करस्पोंडिंग एंगल क्या बताया था, इस लाइन के नीचे वाला, फर्स्ट लाइन के नीचे वाला और सेकेंड लाइन के नीचे वाला, राइट हैंड साइड है राइट हैंड साइड, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। यानी कि 5x प्लस 55 इक्वल टू क्या हो गया, 2x प्लस 100। करस्पोंडिंग एंगल यानी कि संगत कोण, संगत कोण बताया था ना, लाइन के ऊपर वाला लाइन के सेकेंड लाइन वाला के ऊपर वाला इक्वल होता है। तो लाइन के नीचे वाला सेकेंड लाइन के भी ये नीचे है, देखो लाइन का ऊपर ऊपर हो गया नीचे है, और इस लाइन के भी नीचे है, तो संगत कोण क्या होते हैं, इक्वल। तो ये इक्वल कर दिया, तो इधर जाके क्या हो जाएगा 3x, इधर जाके 100 माइनस 55, 3x इज इक्वल टू क्या तुम्हारा हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 45, तो x इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब x 15 डिग्री आ गया तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा, तो हम ए वाला एंगल निकाल लेंगे। तो देखो 5 × 15 + 55 यानी तुम्हारा 15 × 75 + 55 ये तुम्हारा हो गया 130 डिग्री। अब देखो ये वाला तुम्हारा पोर्शन आ गया 130 डिग्री, और ये वाला देखो ए है, तो देखो एक लाइन पे कितना भी एंगल हो, अगर ये 130 है तो ये ए है, दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि 130 प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, तो ए क्या हो जाएगा तुम्हारा 180 माइनस 30 यानी कि 150। अगर इसको सिंपल सा चीज, अगर ये 130 है और इन दोनों का पता है कि 180 होता है, तो यानी कितना ये वाला हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी आंसर ए इज इक्वल टू क्या हो गया 50 डिग्री। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फिर ए बी दो पैरेलल लाइन है ए बी सी डी, और इसको कोई पी क्यू रेखा काट रही है तिर्यक रेखा, तो ये वाला एंगल है दिया हुआ है, तो एक्स फाइंड आउट करो। अब ये बताओ मुझे, अगर ये एंगल देखो अपोजिट एंगल पता है ना, अगर ये देखो हम अपोजिट एंगल पढ़े ना कि ये वाला और ये वाला इक्वल होता है, ये वाला और ये वाला इक्वल होता है, तो ये अगर 75 है इसके अपोजिट एंगल ये भी 75 होगा। अब ये बताओ ये सेम साइड के एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि 15x माइनस 30 प्लस 75 इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। मैंने बताया था ना इंटीरियर एंगल का सम, दो एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो अब देखो 15x इज इक्वल टू, देखो इन दोनों में घटाओगे तो कितना हो जाएगा 45 यानी कि 180 माइनस 45, तो देखो 15x इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 135, तो x तुम्हारा क्या हो जाएगा 15 × 135 9 डिग्री, यानी वैल्यू तुम्हारी x की भी निकल गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे, क्योंकि मेरा प्लान है आपको दिसंबर से पहले मैं पूरी की पूरी अर्थमेटिक, ठीक है, जो अर्थमेटिक एडवांस मैथ ठीक है, इंग्लिश और रीजनिंग मैं कंप्लीट करा दूंगा। ये मेरा दिसंबर तक का प्लान है और मैं इसको किसी भी तरह करके कंप्लीट करा दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।